नमस्कार, एनबीएससी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नितिका शर्मा आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रदेश में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के क्रियान्वयन और उनके निस्तारण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 9 अगस्त से 9 नवम्बर तक व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करने के लिए विशेष ग्राम सभा अभियान जिला प्रशासन के निर्देश पर चलाया गया। गीर प्रदेश मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज इस अभियान की अवधि को बढ़ाने के लिए कलेक्टर रेणु जयपाल को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के जिला संयोजक सोहनलाल निलाना ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित की गई विशेष ग्राम सभाओं की जानकारी लोगों को सही समय पर नहीं मिल पाई। साथ ही अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कई लोग अपने आवेदन भी नहीं कर पाए। मोर्चा की ओर से दिए गए ज्ञापन में महंगाई की गई है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्रता की अवधि 13 दिसंबर 2005 की गई है, जिसे बढ़ाकर 13 दिसंबर 2015 किया जाए। साथ ही कर्मचारियों अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि वे ग्राम सभाओं की जानकारी सूचना माध्यमों के जरिए प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं एवं आवेदनों के क्रियान्वयन एवं निस्तारण के संदर्भ में त्वरित कार्रवाई करें। इस दौरान बड़ी संख्या में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। के मार्फत हमने वन अधिकार अधिनियम 2006 नियम 2008 एवं 2012 के तहत दावों के क्रियान्वयन और निस्तारण हेतु आयोजित विशेष ग्राम सभा अभियान की समय सीमा को आगे बढ़ाने एवं संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को पाबंद करने के संबंध में आज का ज्ञापन हमने जिला कलेक्टर महोदय को दिया है।